नमस्कार, शाम के साथ बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में जल योजना की। इस योजना को लेकर दरअसल विवादों में योजना फंस चुकी है। सरकार ने हाल ही में इस योजना को पंचायती राज विभाग से PHED को हैंडओवर कर दिया, लेकिन तभी से जनता जल योजना के सभी कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। अब ऐसे में ये विवाद है कि 28 साल से जनता जल योजना चलाने वाले कर्मचारियों को वेतन कौन देगा। रिपोर्ट देखिए। जल योजना में वेतन का सूखा, पानी पिलाने वालों को रोटी का संकट, 28 साल पुरानी योजना पर ग्रहण। जी हाँ, साल 1994 में राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। नाम था जनता जल योजना। लेकिन तब शायद किसी ने ही सोचा होगा, खासकर योजना से जुड़े तमाम कर्मचारियों ने, कि वो खुद ही वेतन के लिए तरस जाएंगे। आज योजना के 28 साल बाद कर्मचारी अपनी ही मेहनत की कमाई को पाने के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने हाल के दिनों में योजना को पंचायती राज विभाग से PHED को हैंडओवर कर दिया। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को बीते 3 महीनों का वेतन कौन देगा। विभागों की अदला बदली से गांव-गांव जनता को पानी पिलाने वाले 7,000 कर्मचारियों की रोटी पर संकट पैदा हो गया है। जब से कर्मचारी नए विभाग में गए हैं, उन्हें वेतन मिलना बंद हो गया है, और यह हालत किसी एक जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि अप्रैल के महीने से अब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं सुखबुगाहट ये भी है कि योजना को ठेके पर भी दिया जा सकता है, जिसके बाद कर्मचारी आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। योजनाओं को हैंडओवर किया है तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, इनको चलाएगा कौन? तब वो कहते आ रहे हैं कि ठेके पे देंगे, जब हमारी मर्जी हम जैसे चाहें वैसे चलाएं। मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं सीधे तौर पे कि विभाग को निर्देशित करें और आदेश दें कि इन जनता जल योजना के कर्मचारियों को भुगतान दें, अन्यथा जनता जल योजना के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर क्या थी ये योजना और इसके विभाग के बदलने से कैसे बेहाल हो रहे हैं कर्मचारी। दरअसल गांव-गांव को पानी पिलाने वाली ये योजना साल 1994 में प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई थी। उस वक्त कर्मचारियों को महज 500 रुपए दिए जाते थे। साल 2008 में ये राशि दोगुनी होकर 1,000 रुपए हो गई। फिर साल 2013 में न्यूनतम मजदूरी का आधा यानी 2,652 रुपए हो गई। 2017 में एरियर के साथ पूरी न्यूनतम मजदूरी 5,252 रुपए हुई। फिर 2018 में बढ़कर 5,538 रुपए हो गई। जैसे जैसे न्यूनतम मजदूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे वेतन बढ़ता गया। इसके बाद साल 2020 में 5,850 रुपए, 2021 में 6,552 और इस साल 6,734 रुपए मिलने लगे। 1 मई से लेकर आज तक PHED में पंचायती राज PHED के अंदर किसी भी कर्मचारी को आज तक 3 महीने का भुगतान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जनता जल योजना कर्मचारी सुबोध जी अग्रवाल हैं, इस कॉल जाए कभी ठेके के लिए बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो हम सारे कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। कर्मचारी वेतन न मिलने से पहले ही खफा है और अब ठेके पर देने की खबर ने आग में घी का काम कर दिया है। कहा जा रहा है कि 28 साल से न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब हटाने की तैयारी चल रही है, जिससे कर्मचारियों का गुस्सा चरम पर है। ऐसे में अब सरकार और विभाग कैसे कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सालों से राजस्थान को पानी पिलाने वाले कर्मचारियों का भविष्य फिलहाल अंदेशों की गर्त में डूबता नजर आ रहा है। जयपुर से आशीष चौहान, जी मीडिया।